भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नवसंकल्प शिविर हाल ही में राजस्थान के उदयपुर में आयोजित किया गया था। इसी पृष्ठभूमि में प्रदेश कांग्रेस के खेमे में कई घोषणाओं को क्रियान्वित किया, कार्यकारिणी की बैठक बुलाई और मौजूद समय में विपक्ष में लगातार दुष्प्रचार और तीखे तेवरों के साथ ही भय का माहौल बनने से कांग्रेस पार्टी में थोड़ी सी मायूसी है। इससे छुटकारा पाने के लिए और कार्यकर्ताओं और पार्टी में उत्साह का माहौल बनाने के लिए महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मंत्री रंजीत बाबू देशमुख के अमृत महोत्सव के अवसर पर नव संकल्प और एकता शिविर का आयोजन कविवर सुरेश भट्ट सभागृह में रविवार को किया जाएगा, ऐसी जानकारी आयोजित पत्र परिषद के दौरान दी गई है। हमने यहाँ पर है ना, हमारे कार्यकर्ताओं में कैसा उत्साह आना चाहिए और कैसी ये जो नाराजी चल रही है पक्ष के अंदर में, या जो भी थोड़ी बहुत भी जो थोड़ा सा साइलेंट पना है, इसमें एक ये होना चाहिए। तो ये लेकर के हम माननीय रंजीत बाबू के पास गए। रंजीत बाबू को पता है कि आपकी 75वीं हम करना चाहते हैं। पहले रंजीत बाबू ने इस चीज़ को नामंजूर की है, लेकिन हमने इसके पीछे का उद्देश्य बताया कि आपके चाहने वाला महाराष्ट्र का सब पूरा कार्यकर्ता, ये सिर्फ आपको मदद के तौर पे नहीं, ये कुछ राजकीय इसमें आपको देखना चाहता है। और उन्होंने ये सारी चीज़ें की कल्पना लेने के बाद ये कार्यक्रम हम 29 मई को तय करें।